मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा है नॉवेल में ये किरदार नहीं है ओह oh, आपको भेजती हैं उर्दू वाले स्टिकर हाँ <laughs> <laughs> तो क्या ये हे गाइस अस्सलामुअलैकुम दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन पुष्पा मैगज़ीन आज जो मेरी मेहमान हैं, Uh, बहुत से तारुफ कराने के रेफरेंसेस हैं सोचूँ कहाँ से स्टार्ट करूं एन की ग्रेजुएट हैं वहाँ की फ़ैकल्टी की भी मेंबर रह चुकी हैं इकरा uh, की मीडिया साइंसेस के डिपार्टमेंट की, की हेड भी रह चुकी हैं बट आप सोचोगे मैं ये बातें क्यों करी था ड्रामे से क्या ताल्लुक है अगर आपने लम्हे याद हो तो फिरोज़ा और अगर आपको संगे मरमर याद हो तो परी और अगर आजकल आप हम कहाँ के सच्चे थे देख रहे हैं तो फिर मैं बात कर रही हूँ शब्बों की तो मेरे साथ हैं कैफ़ नबी आज अस्सलाम वालेकुम कैफ वालेकुम कैसे हैं आप बिल्कुल खैरियत से तो आज आते अच्छे क्योंकि बारिश बड़ी अच्छी हो रही है हम बारिश की बात करें तो उसी से मुझे ख्याल है कि साड़ी की भी बात मैं अभी <laughs> बारिश और साड़ी का बहुत अच्छा कनेक्शन है

तो उनकी बहुत सारी साड़ियाँ मेरे मुझे वरसे में मिली हैं क्योंकि आई वॉज दी ओनली वन वोज इंटरेस्टेड तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहते थे, थे ना कि क्या चाहिए मैंने कहा वो साड़ी दे दें मुझे खर्ची hmm. ना दें साड़ी दे दें <laughs> तो मेरे पास काफ़ी एक ह्यूज कलेक्शन है जो कि प्री सिक्सटीज़ कभी कभी प्री पार्टीशन साड़ीज़ भी हैं जो hmm. वो, वो कपड़ा ही डिफरेंट है और फिर जब मौका मिलता है इंटरनेशनल ट्रैवल का तो मैं साड़ी ही खरीदती हूँ कोई और चीज़ नहीं

Uh, उसका हिस्सा होते थे सेलिब्रेशन uh, का तो मैं पहनती थी लेकिन जब मैं टीचर uh, uh, बनी वहाँ पे तो फिर मैंने अपना लिया जो ड्रेस आई थिंक उस मैं 24 साल की थी

भी हो तो फिर भी आप हाँ, एक यू नो मेच्योरिटी डाल देते हैं ये, ये. या। अच्छा ये बताएं शब्बो कैसे आया और आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि शब्बू को लोग इतना पसंद करेंगे मैं नहीं कर रही थी एक्सपेक्ट क्योंकि रोल बहुत छोटा था जिस तरह से उमेरा ने लिखा था था बहुत मुस्तनद किरदार तो जब मैंने पढ़ा तो उससे पहले फारूक रेन मेरे ऊपर काफ़ी काम कर चुके थे अच्छा क्योंकि वो इन देंस उन्होंने मुझे एक थिएटर में देखा जो मैं जजा सज़ा कर रही थी और hmm. वो शेक्सपियर की एक अडेप्टेसन है तो उनको बहुत अच्छा लगा मेरा काम और दूर से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे दो साल से मिलने की कोशिश कर रहे थे और अच्छा। किसी ना किसी वजह मतलब के आप उसमें स्पॉटलाइट में थी, में थी। yes. उनको पता था कि ये मुझे इनसे हाँ, काम कराना है हाँ. वो हाँ. वो आते हैं वो देखते हैं खामोशी से आते हैं और ये मुझे बाद में पता चला तो जब वो टैलेंट ढूंढ रहे वो ढूंढते हैं क्योंकि उनका हमेशा से तरीकेकार मैंने जितने भी उनका काम जो मुझे डायरेक्टर्स पसंद है मैं उनका काम बहुत शौक से देखती हूँ तो ऑब्वियसली ये कोई बात कहने वाली थी तो फारुक़ उसमें से एक थे ऐसे और आ, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी हुई थी सिर्फ मुझे उनकी बातों का मालूम था और काम से मैं बहुत मुतासर थी mm -hmm. तो ही वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल विच आई होम आई एस्पायर टू वर्क विद तो जब इनका मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि ये तो अजीब सी कहानी हो गई है फिर ये जब मैं एकरा में थी तो ये एक दफ़ा दो दिन का उन्होंने वहाँ पे शूट किया अभी मेरा खाली mm -hmm. उसी ड्रामे की इनकी लाइफ स्टाइल की नॉमिनेशन भी हुई हुई है प्यार के सकती हाँ okay. उसी का वहाँ पे शूट हो रहा था mm -hmm. वो दो दिन तक यकीन माने हम फोन पे रहे पर हम मिल नहीं पाए क्योंकि oh. वो जब फ्री होते थे शूट करके तो मैं अंदर किसी काम में बिजी होती थी कोई mm -hmm. मीटिंग होती थी बहरहाल वो मुलाकात नहीं हो सकी और इवेंचुअली लास्ट दिसंबर इन्होंने कहा बस कैफ अब तो मिल ही लें तो यू mm -hmm. नो मैंने कहा अच्छा चले सही है सो वी सैट डाउन वी टॉक एंड ही सेट के अगर मैं आपके लिए कोई इस तरह की चीज़ बनाऊँ तो आपको कैसा लगेगा एंड मैंने कहा ठीक है मुझे मुझे आपके साथ काम करना है मेरा ज़्यादा फोकस ये है कि मैंने देखना है हाउ यू वर्क इन एन इन्वायरमेंट क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूस करती हूँ वो चीज़ें और मुझे अच्छा लगता है मैं डायरेक्टर्स का थाट प्रोसेस देख सकूँ तो जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया रोल तो मैंने कह दिया हाँ मुझे मैंने सोचा भी नहीं कि ये पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी कि यह, शायद ये बहुत छोटा किरदार होगा वो मुझ मेरे दिल से वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्या इसको बहुत मज़े का बनाना है ओके okay. और वाकई में जब हम सेट पे जाते थे तो ये टे, ये कोशिश करते थे कि चीज़ जो है वो एक तो इम्प्रोव बने हुँ, हुँ. और जल्दी उसकी जल्दी में ना कुछ हो okay. तो वो निकालते थे मतलब बॉडी लैंग्वेज मेरी उन्होंने पूरी की निकाली तो जब मैं उनके साथ परफॉर्म रही थी तो मुझे लगा कि शायद ऑडियंस को मजा आएगा क्योंकि जब जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो, तो ये कहकर मार के हंस भी पड़ते थे कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैंने कहा फारूक इतनी छोरी बातों पे ना तुम हंस रहे हो कि मुझे मुझे अजीब कहता है नहीं नहीं कहफ आप बस मान जाएं ये लोगों को पसंद आएगा मैंने कहा ओके ठीक है आई ट्रस्ट यू सो आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दिस तो आई थिंक इट वॉज जब मुझे भी मजा आया करने का उनको भी हंसी आ रही थी तो ऑडियंस uh, अच्छा, को पसंद आया अच्छा लगा पूरा आपका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है ये भी फारूक नहीं और सब कुछ वो लुक भी बड़ा तो ये अच्छा तो ये लिखा वैसे नहीं था उसकी पर्सनालिटी ऐसी लिखी हुई थी नॉवल में मैंने नॉवल नहीं पढ़ा है नावल में ये किरदार नहीं है ओह जो ओरिजिनल नॉवल है उसमें किरदार नहीं है है ही नहीं शब्दों का बिल्कुल भी नहीं ये है तो ये नहीं था मुझे। पर ये डाला गया किरदार और इसलिए जब मुझसे बात इसके बारे में शुरू हुई तो मुझे मुझे किसी ने ये मैसेज जरूर पहुंचाया था कि उमेरा का ये कहना है कि किसी किरदार छोटा जरूर है लेकिन इसमें किसी कैरेक्टर एक्टर को आप कास्ट करें नॉन एक्टर को मत कीजिएगा ओके okay. तो जिसपे जब मुझसे बात हुई तो मुझे लगा कि अगर राइटर ने भी कुछ सोच के इसको डाला हाँ, है और डायरेक्टर भी इसके ऊपर काम कर रहा है क्योंकि इतना कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है ये बनाना जो भी हमारा मीडिया का जितना भी जॉनर है हम जो बनाते हैं वो जब मैंने देखा कि राइटर भी सोच रहा है इसके बारे में डायरेक्टर भी सोच रहा है और वो मेरी तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि मैं थिएटर करती हूँ hmm. तो आई कुड अंडरस्टैंड कि वो और मेरा थिएटर जो होता है वो बड़ा एनर्जेटिक um, होता है उसमें भागना ये कॉमेडी hmm. टाइमिंग बहुत होती है उसमें आ, बहुत ज़्यादा पैथोस भी होता है तो आ, अगर ये लोग मुझे इंप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए इसका मतलब है कि कुछ है इस इस कैरेक्टर में भी कुछ मटीरियल हाँ तो इसलिए वो जब हमने बल्कि जब शब्दों का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने um, कुछ फीडबैक देखा जिन्होंने नॉवल पढ़ा हुआ है एंड दे गॉट ऑडियंस गॉट वेरी अपसेट कि ये कहाँ से क्यों ले आए हैं आप लोग यू नो बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी कि वो जो कहानी चल रही है पर uh, मुझे लगता है इस कैरेक्टर के आने से दोनों राइटर्स और डायरेक्टर्स ने बड़ी मिस्ट्री क्रिएट yeah. कर दिए उस टाइम yeah. पे भी हमें मिस्ट्री क्रिएट हो कि मैंने पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था uh -huh. मैंने नॉवल भी नहीं पढ़ा हुआ uh -huh. पर मैंने कहा मुझे और मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती भी नहीं हूँ मैं कहती मुझे सिर्फ अपने सीन्स दीजिए okay. uh, और मैं कॉन्टेक्स्ट में देख लेती हूँ डायरेक्टर से बात करके कि अच्छा ये कहाँ से इमोशन आ रहा है ये क्यों ये लाइन बोल रही है uh -huh. लेकिन अभी मैं भी मिस्ट्री में जा रही हूँ okay. कि कहानी किस तरफ जा रही है आपको नहीं पता मुझे नहीं पता तो मुझे मुझे सिर्फ यही पता है मैंने जो सीन्स किए हैं तो उसके स्निपट्स मुझे पता हैं लेकिन आई डोंट नो द होल स्टोरी और शायद हम अपनी जिंदगियां भी ऐसे गुजारते हैं <laughs> अब शबो मुझे लगता है कभी कभी ना वो मेहरीन की एजेंट लगती है मुझे एजेंट हाँ वो सबकी एजेंट वो है। ना वो जिस तरीके से जाके उसकी नजर मशल के हर कामों पे होती है ना और वो सब चीजें देख रही होती है लेकिन मेहरीन की हेल्प नहीं करती है वो ये बड़ा मुझे ना उससे बड़ा शिकवा रहता है उससे बट क्या है शबो वो ऑन पर्पज कन्फ्यूज कर रहे हैं ऑडियंसेस को क्योंकि हाँ शब्द नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है जितना मुझे समझ आ रही है उसकी स्ट्रीक्स है डिफरेंट सो वो नेगेटिव नहीं नहीं है तो आउट अबाउट जाके बुरा काम भी नहीं करती हाँ। लेकिन वो बुरा काम गलत होते हुए देखती है तो वो चुप भी रहती है तो ये मुझे होती है मेहरीन के वो like वो लाइक महरीन के लिए इतनी रात को थके हुए होने के बजाय वो अम्बिया तोड़ के वो उसका अचार बना के उसके लिए करेगी एफर्ट करेगी लेकिन फिर वो उसकी माम, मामी के साथ बिल पे उसकी ठुकवाई भी कराएगी <laughs> और वो देखेंगे कि ने उसका वो इन्हेलर ले लिया कुछ करेगी तो ये क्या है इसके पर इसके पीछे इसको इसको हम क्या ग्रे कैरेक्टर बोलेंगे या ये रखा ही इसलिए कि ऑडियंस कंफ्यूज होती है ऐसे मेरी तरह इधर से उधर जंप करती है मेरा ख्याल है इंटरेस्ट लेवल तभी डेवलप होता है जब आप किसी कैरेक्टर की स्पून फीडिंग ना कर रहे हो ऑडियंस okay. की तरफ और ये बड़ा कोशिश की है फारूक ने इसको मेंटेन करने के आउट सेट के ऊपर सब कैरेक्टर्स के साथ फारूक okay. ने यही ट्रीटमेंट रखा है mm -hmm. अभी जैसे जैसे आप देखेंगे अब अ, अ, सब की जो भी उतार चढ़ाव आएगा अभी आगे एपिसोड्स mm -hmm. में उसमें बहुत सारे रंग निकल के वापस नज़र आएंगे आपको mm -hmm. तो मेरा ख़्याल है ये एक शब्बों का जो कैरेक्टर है चूँकि ये बचपन से यहाँ पर है और शायद जो एक गुमान था हमें कि इस कैरेक्टर की एज शायद तीन चार साल के फर्क से बड़ी है ये बाकी कैरेक्टर से जो बच्चे थे अगर तो इसकी मेचोरिटी का लेवल फिर बच्चे होकर आई एम श्योर इसकी कहीं ना कहीं जेलसी थी कि इस उम्र में मैं इनको क्यों केटर कर रही हूँ क्योंकि वो कर रही है किचन में काम कर रही है पर ये दोनों लड़कियाँ और ये लड़का जो है दे आर बींगटर बाय हर तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बड़ा नज़र दिखाने की ज़रूरत है मतलब एक स्पॉटलाइट डालने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम जब चाइल्ड लेबर घरों में लेकर आते हैं तो उनकी क्या हालांकि वो हमारे साथ ही बड़े होते हैं कभी कभी पूरी पूरी जिंदगियां हमारे साथ उन्होंने गुजारी होती हैं लेकिन उनकी लॉयल्टीज़ जो है वो शिफ्ट होंगी जब पावर प्ले सामने आएगा नहीं, नहीं। तो अगर आपको लगता है कि महरीन का पावर उस वक्त सामने अच्छा नहीं नज़र आ रहा उसको और उसका साथ देना इसके हक में सही नहीं होगा तो वो नहीं देगी जो कि हम सबका एक तरीक़ेकार है इंसान का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उसी के साथ खड़े होंगे जो ज्यादा मुस्ंद होगा ज़्यादा स्ट्रेंथ रखेगा तो अगर उसको लगेगा जहाँ पे उसको लगेगा कि महरीन के लिए सिम्पथेटिक उसने होना है जो कि वो होगी क्योंकि बचपन उन्होंने साथ गुजारा है इस घर में प्यार भी उसे मिला है धूत कारा भी गया है तो वो महरीन से बदले भी लेगी वो औरों से भी बदले लेगी अभी चल के वो और से भी उन्हें बहुत कारनामे करने मैंने कहीं से उड़ते उड़ते सुनी है कि शबु बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हाँ आगे हाँ मेरीन की और असद की जिंदगी में हाँ 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 तो हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी ना बिल्कुल भी नहीं ये तो आगे पता चलेगा बट क्यूरोसिटी है ताकि लोगों को पता चलेगा होगा हाँ क्या जो दो पिविटल पॉइंट्स है ना जिसमें पावर शिफ्ट होगा वो दोनों इसी कैरेक्टर को लेके लेके होगा शायद इसीलिए उमेरा ने इसको इंट्रोड्यूस भी कराया था क्योंकि अदरवाइज कहानी बहुत फीकी होती मतलब mm. घर में आप बैठ के एक नॉवल पढ़ रहे हैं जो कि एक प्लेजर रीड है yeah. उसके बरक्स जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में yeah. लोगों इत, और इतने सारे लोग हैं जिनको आप केटर कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने वो नॉवल नहीं पढ़ा शायद मैं पढ़ूंगी तो वो मुझे केटर नहीं करेगा mm. पर ये ड्रामा मुझे केटर कर सकता mm. है बिकॉज़ इतना उतार चढ़ाव yeah. इसके अंदर नज़र आ रहा है mm. तो वो उनको डालना अच्छा mm. था आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव फ्राम दैम नहीं नहीं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो तो ये बात पता ही नहीं थी मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा ये बताएं भी शब्बुत हमारी रहती है हमें प्लीज़ प्लीज़ हमारा मसला हल कर दें कि ये मशल के पास मशल कैसे पहुँच जाती है मेरी इनके कमरे अंदर <laughs> हर बार <laughs> हर बार हम हैं और फिर जब मेरीन बेचारी ने कुछ किया ना अब उसका अताब मशल का जो है ना मेरीन के ऊपर आता है हाँ। कभी बर्ड मर गई कभी हाँ। कुछ और हाँ। तो तो हाँ, हाँ। रिव्यू में शेयर कर लिया है कर लिया है क्या मुझे लगता है मशल के पास चाबी है मेहरीन को तो चाबी वो देती रहती है मेहरीन को तो चाबी देती रहती है हमने हमारा ख्याल है कि उसके पास क्योंकि मशल बहुत डिवियस और बहुत उसकी प्लानिंग चलती है mm -hmm. ना तो उसको है अच्छा मुझे मशल का कैरेक्टर डिवियस नहीं लगता नहीं लगता नहीं, नहीं। अच्छा। मुझे मुझे लगता evil है नो नो इट्स नॉट इवन ईवल अच्छा She, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, है। okay. वो रिएक्शन हम मैं चाहूंगी ऑडियंसिस को ये समझाना कि ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में कुछ नहीं होता बट शी इज ब्लैक यू कैन कॉल हर वाइट वेल उसमें वाइट क्या चीज है मैं वही कह रही हूँ कि बी पेशेंट एंड अच्छा सी वॉट गोइंग टू हैपन क्योंकि आप देखें uh, हम क्या कर रहे हैं एक सीन के अंदर मशल को धुतकारा जा रहा है या hmm. नीचे रखा जा रहा है उसी की माँ की तरफ से क्योंकि महरीन अवार्ड्स ले गई hmm. जब आपको कंटिन्यूसली और ये हमारी ज़िंदगियों में होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं पता नहीं क्यों हमारे पेरेंट्स और हमारे इर्द गिर्द के बड़े हमें कहते हैं किसी चीज़ से कि डराने के लिए ये हो जाएगा yeah. ये ना ये नहीं करोगे तो भाई बैठ के बात करो बच्चे mm. से आप उसको चैलेंज uh, uh, क्यों कर रहे हो डो एंड इफ़ यू वांट टू चैलेंज ज़रूर करें नेगेटिवली ना करें yeah. बच्चे की साइकोलॉजी को आप बिल्कुल तहस नहस नीस तो नाबूद कर दिया आपने mm. और आपने बच्चे फिर आप बोलते हैं बच्चा जो है इतना ईवल क्यों निकल रहा है mm. वो क्यों छीन रहा है लोगों से चीज़ें मैंने uh, कजन्स में देखा इतना प्यार होता है इतना प्यार होता है फिर एकदम से एक वक्त आता है कि ग्रेड्स के ऊपर ही माँ बाप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं या नाम लेना के वो देखो ए प्लस हो गया तुम्हारा ए क्यों आया मतलब क्यों भाई hmm. उसने सेवेंटी फाइव ले लिया तुमने सेवेंटी टू क्यों लिया वो नाइनटी परसेंट ले गया तुम क्यों एटी पे रह गई ये जब बातें होती हैं तो बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है hmm. वो अपने आप को कभी भी पूरे तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती उसकी पर्सनैलिटी जो है वो वो कुछ और फिर बनना चाहेगी mm -hmm. और जब आप मुझे और ये माँ बाप मतलब मुझे लगता है इस बहुत बड़ा माँ बाप की तरफ से एक प्रेशर आता है कि आप अपने बच्चे को तमगा बनाकर दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं yeah. मतलब आप अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं और आपके बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो तो यूं होके कहीं ज़मीन पे पड़ी हो गई है डस्टेड हो गई है ना डन एंड डस्टेड सो इट्स योर इट्स द पेरेंट्स हु गोइंग टू बी ब्लेम्ड तो आई वुड टेल दी ऑडियंस टू एक्चुअली ऑल्सो एनालाइज द कैरेक्टर्स जो कि हमारे बड़े उसके अंदर प्ले कर रहे हैं mm -hmm. कि वो क्या कर रहे हैं mm -hmm. दादी का क्या कैरेक्टर है नानी का क्या है बाप किस किस्म की या मामू किस किस्म का एक्ट कर रहा है mm -hmm. हमारे बड़े हैं ना जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं yeah. जब वो ही नहीं सही रस्ते पे होंगे तो फिर छोटा बच्चा ऐसा निकलेगा mm -hmm. और फिर वो आपकी सोसाइटी का जब हिस्सा बनेगा और फिर उसके अपने बच्चे होंगे तो फिर आप सोचिए कि कितना केस क्रिएट करेगा वो तो आपने एक साइकिल शुरू कर दी है जो कि एक डीवियस विशस साइकिल है बाय मेकिंग योर अना एंड योर ईगो कि मैं लोगों के सामने मेरा बच्चा नंबर वन तो इसलिए कोई भी कैरेक्टर इस प्ले uh, के अंदर ब्लैक एंड वाइट है एवरीबडी इज इन द ग्रे जोन एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टार्ट डाइजेस्टिंग तो चैलेंज था कोई शबों को करने में आपके लिए बहुत क्या शब्बू वॉज एक तो गुड स्टेज आई एम फोर्टी टू माशा एंड आई एम नॉट मैंट टू रन अप एंड डाउन द स्टेर जितना मुझे फारूक ने भगाया तो इस तो थी बहुत सी और इतने सीन्स हैं मैं आपको हाँ। बता नहीं सकती हूँ जिसमें मैं भाग रही हूँ सिर्फ और, और मैं हाँ मुझे सांस भूल जाता था था तो मैं लेकिन बिकॉज ही न्यू अ डांसर मैं योगा yeah. करती हूँ मैं कार्डियो करती हूँ तो आई कुड डू इट बट फ़ारूक मुझे कहता था कैफ आ तो दो सेकंड में आपने ऊपर का तय किया फारूक मैम यू आर काउंटिंग तो कहता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम नाम जाना चाहिए तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो शब्बों के लिए शायद आसान थी पर मेरे लिए ज़रा चैलेंज थी और तो गर्मी बहुत थी आ, मुझे लगा कि के कैरेक्टर के लिए पहले जिस तरीके से कपड़े डिज़ाइन हुए थे मुझे उनको थोड़ा सा अगली करना पड़ा था okay. उसकी जो फिटिंग थी मैंने खुलवा दी बिल्कुल बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट कि शब्बो जो है वो फ़िज़िकली अट्रैक्टिव लगे आ, मुझे लगता है कि शब्बो की ज़िंदगी ऑल दो उसको तैयार होने का बहुत शौक़ है मेकअप mm. भी करती है काजल भी लगाती है mm. लेकिन आ, Uh, मैंने बहुत कंसिस्टेंटली आई डेंट वेयर एनी ज्वेलरी ऑल दो वो चर्पी बहुत है पर अगेन एक छोटी एज पे आप अपने माँ बाप से दूर हो के जब किसी के घर काम कर रहे हो तो फिर आपकी पर्सनालिटी कुछ और ही होगी और पता नहीं उसने क्या कुछ देखा होगा क्या कुछ किस किस दौर से गुजरी होगी तो वो सब चीज़ें जब आप अखस करना शुरू होते हैं तो दे हर्ट यू आपकी रूह तक को तकलीफ हो जाती है तो मैं क्योंकि मैं आम्बल तीन साल की है और आ, मैं सोचती थी कि अगर शब्बो सपोजली पाँच साल की उम्र में भी आई होगी काम करने के पास या आठ साल की उम्र में भी आई होगी तो आंबल जिस तरह मुझे चिपकती है उसका माँ का करीब होना बाप का करीब होना जब बच्चे के करीब ये लोग नहीं होते हैं सहारे नहीं होते हैं करीब उसको कौन गले लगाता होगा उस वक्त आ, क्योंकि आप तो अपनी हार्ड हेल्प से एक फ़ासला रखते हो राइट तो गले लगाने का जब नहीं होगा उसको कभी ठंडक नहीं मिली होगी कभी उसको जब वो रो रही होगी तो अकेली रोती होगी में तो में ये बातें जब आप सोचना शुरू करते हैं ना तो आप अंदर तक आपके ज़ख्म हो जाते हैं जिसम okay. के अंदर तक रूह तक आपकी तकलीफ़ में जाती है तो शब्ब इस तरीके से मेरे लिए बहुत मुश्किल कैरेक्टर रहा बट okay, अदरवाइज़ okay. जब मैंने उसको सोच लिया और मैंने इंटरनलाइज़ कर लिया तो फिर उसको प्ले ऑफ करना आसान था क्योंकि फारूक की तरफ से बहुत हेल्प थी अच्छा जो लोग थिएटर से आते हैं यूजली जैसे आपने भी बहुत थिएटर किया हुआ है मुझे मैंने सुना है और जब मैं इंटरव्यू भी करती हूँ तो वो लोग बहुत दफा बताते हैं कि सीन हो रहा था तो हमने इम्प्रोवाइज किया वो थिएटर में से उनको शायद होता है ये ये हाँ। एक वो एबिलिटी uh, भी भी होती है वहाँ भी है है पे फ्रीडम होता और ये शायद बन जाता है। तो आपने यहाँ कहीं किया किसी एक्ट हाँ, हाँ। में कुछ कर दिया शब्दों के ज्यादातर सीन्स इम्प्रोव फॉर एग्जाम्पल जिसने चाय हाँ। गिराने वाला था ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था अच्छा तो और फिर चाय गिर की भी तो कैसे गिरेगी अब तो हम बैठे हुए थे और मैंने फारूक को कहा फारूक कितनी गर्मी है और मैं बोर हो रही हूँ <laughs> <laughs> अरे 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 ये फारूक का वो है स्टाइल है ना अरे 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 करके शुरू करते हैं और फिर वो कहते चलो चलिए एक काम कराते हैं आपसे <laughs> तो मैं मैंने उसको मैंने कहा एक तो मैं बोर हो रही हूँ <laughs> उसके बाद आपको <laughs> काम, काम करा रहे <laughs> कहते, चले चले आप चाय लेकर आए और आप महरीन अपना मछल के ऊपर गिरा देंगी चाय तो मैंने कहा ऐसे कैसे गिरेगी उसको सारा मैंने कहा उसको वी वर रेडी फॉर द सीन हमने शूट भी कर लिया सीन जैसा था हुँ. तो मैं अब खड़ी हूँ ना यूं करके मैं जब बोर हो जाती हूँ मेरी शक्ल पे आ जाता है हुँ. तो आ, कहता है चले चले लेकर आए ट्रे लेकर आए चाय लेकर आए और शब्बू अब आप आएंगी और आपने बस गिर जाना है हुँ. तो वो तो हमने कोई सात आठ टेक्स किए सात आठ टेक्स में मैं गिरी एक आध दफा चोट भी बहुत बुरी लगी पैर में मोच भी आ गई पर गेम इनफैक्ट मोच आने की वजह से ये हुआ कि गिरना आसान हो गया hmm. <laughs> फ्लो आ गए, फ्लो आ गया गया फ्लो उसमें hmm. तो अब कभी मैं गिरू तो ओहो ट्रे सही नहीं गई दोबारा गिरे हो वो यहाँ पे गिर गया तो मैंने कहा यार आप कट करके कुछ कर लीजिएगा एडिट करने खुद आ वैसे वहां यार नहीं नहीं मुझे पूरा ट्रे उड़ती हुई जाती है ठीक है फिर जब एक दफ़ा उड़ती उठ रह गई तो मेरा मुंह जाके लग गया उसके ऊपर oh टेबल oh के फिर उन्होंने नीचे कुशन बिछाए जिस पर फिर मैं गिरी जा के तो इस तरीके से हमने काफ़ी इस सीन को देर तक किया दो तीन घंटे गुजर गए hmm. एक सीन करते करते okay. और ये सिर्फ गिरने वाला सीन था <laughs> <laughs> तो मैंने कहा अभी गिर गया मैं, मैं कुछ कह के जाऊंगी यहाँ से तो कहते हैं अच्छा आप क्या कहेंगी मैंने कहा मैं, फिर मैंने जो लाइन बोली कि आज तो मैंने आपको डायरेक्ट ही चाय पिला दी तो, तो, तो क्योंकि मैं इतना गुस्से में आ गई थी कि वो निकला, निकला, निकला दिल से निकला कि अच्छा हुआ खुशी भी हुई और डर भी लगा कि अच्छा आप क्या होगा मेरे साथ मशल क्या करेगी अच्छा वो सीन बड़ा मजे का लग रहा था वो जो आप वो भी उसी वक्त Uh, वो वो उसमें नहीं था वो नहीं, भी आपने वो जो, जो नहीं वो जो सोचती है कि इसको तो मैं करके हाँ, हाँ. थोड़ा कंसर्न हुआ था कि हम ये इतना बड़ा इतना सीरियस इमोशन इस तरह करके इसको उस इस तरह कॉमिक उसमें दिखा रहे हैं कि किसी के गला काट के कुक करने की बात हो रही है <laughs> थोड़ा कंसर्न ये कुछ डिस्कशन कुछ हुई थी इस तरह की फिर आपने सोचा कि हम जाने देते हैं नहीं नहीं आई थिंक ये डिस्कशन तब होती अगर मुझे मुझे कुछ चीज़ों का पता है जो मैं अच्छी कर सकती हूँ okay. uh, मैं जैसे बहुत रोती हुई औरत अच्छा नहीं कर सकती आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ वूमन ऑल दो इर्द गिर्द बहुत हैं hmm. हमारी मेरी फैमिली में भी ऐसा है कि जो विक्टम हैं लेकिन आई डोंट बिलीव इन

जब हम थिएटर भी कर रहे होते हैं तो हम जब इम्प्रोवाइजेशन कर रहे होते हैं और में से गुजर रहे होते हैं उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और अच्छा है कि जितनी जल्दी पता चल जाए बिल्कुल उतना ही आसान होता है हम लोगों को पिक एंड चूज़ करना कि हम क्या चीज़ कर सकें क्या नहीं तो जब मुझे फ़ारूक ने बताया कि कैफ आपने मैं सेट पर आई हूँ और हमने कहा कि ये ये सीन यूँ होगा अच्छा ठीक है हमने कर लिया एक दफ़ा सीन हम करके देख लेते हैं कि अच्छा ये यूँ होगा फिर फारूक ने कहा अरे नहीं क्या मैंने फिर उसको देखा मैंने कहा वॉट आर यू थिंकिंग नाउ तो कहते मैंने कहा उस फारूक मैं स्क्रिप्ट पढ़ना छोड़ रही हूँ अब तो आप आप मुझे आप नहीं बता पता आ गया क्या करूँ मतलब स्क्रिप्ट याद करके आ रही हो देन फारूक्रोवाइजेज सो आई वॉज लाइक अब मैं नहीं पढ़ के सीन आ रही आगे तो उसने कहा अब आप यूं 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 करेंगी मैं फ़ारूक को देख रही थी करते हुए और मैंने कहा मैं इस तरह से नहीं कर सकती जैसा आपने कहा मैं अपने तरीके से आपको करके दिखाती हूँ mm. हाँ हाँ ठीक है ठीक है आप कर लें मुझे पत, मैंने बस आपको जिस बता दिया अब आप जो कर सकती हैं करें mm. तो हमने वो तीन दफ़ा रिकॉर्ड किया तीन डिफरेंट मैंने वर्जनस दिए और ये वाला अच्छा था और जब मैं कर रही थी तो मुझे ख़ुद भी हंसी आ रही थी तो आई अंडरस्टूड कि इसमें गौरी कुछ नहीं है इसके अंदर मतलब मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे हम जब मशल की एज पे जब मैं थी तो मुझे कितनी दफ़ा बोले मैं तेरे गला काट के रख दूंगी oh. मेरी हमारी माँ ने कहा लगता लगते तोड़ोगे देनी दिन yeah. या फिर मैं तीन तो चीर दूंगी मैंने yeah. इस तरह की बात सो वी हर्ड ऑल दिस यू नो सो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो ना जिसमें हम बात करते हैं कि और दूसरा आई थिंक दिस इज़ एन एटीन प्लस और अदर सिक्सटीन प्लस ड्रामा yeah. अगर इसको रेट किया जाए तो वी uh, अंडरस्टैंड Okay. हाँ अगर कोई छोटा बच्चा बैठ के देख रहा होगा जो कि अक्सर मुझे जब पसंद करने वाले कोई छोटी उम्र के मिलते हैं हुँ. कि वो हमने संगे जो भी खातन आती है अपने बच्चे नौ साल की बच्ची मेरी क्यों फैन है मैंने तो बच्चों वाला कोई ड्रामा अभी तक नहीं किया तो मैं माँ बाप को बोलती हूँ जिसपे वो अक्सर मेरा ख्याल है वो होके चले जाते हैं फेंड हो जाता हाँ ऑफेंड हो जाते हैं कि यूँ उनकी शक्ल बन जाती है कि अब ये hmm. तो उसने हमें पार्ट पढ़ा दिया पर आई hmm. थिंक hmm. वो मेरे अंदर का टीचर कभी निकल नहीं सकेगा hmm. तो मैं ज़रूर बोलती हूँ मैं कि बच्चों को देखने वाला ड्रामा नहीं था आपने hmm. क्यों दिखाया इसको hmm. ये hmm. तो आई होप कि ये वाला ड्रामा भी बिकॉज जिन्होंने नावल देखा हुआ है दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट इज़ एटीन प्लस सो दे शूडेंट अलाउ चिल्ड्रन टू वॉच राइट नाउली हमारे यहाँ कोई रेटिंग ये तो पेरेंट्स की, की जॉब बना यार That's अगर आ, no. मैं कहती हूँ मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे आज कल डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं पेंडेमिक के बाद और ज़्यादा गुजरे हैं तो बल्कि मैं आप ही का प्लेटफॉर्म लेके जरूर कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि स्टार्ट बिंग रिस्पॉन्सिबल आप hmm. टीचर्स के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्योंकि बच्चा घर में भी होता है और अगर बच्चा घर में सेवेंटी परसेंट ऑफ द डे नहीं है देन इट्स योर फॉल्ट Hmm. आप अगर उसको ट्यूशंस भेज रहे हैं और आप उसको खुद नहीं पढ़ा पा रहे देन यू आर नॉट इक्विप्ड टू रेज अ चाइल्ड देन आई एम सॉरी आई एम बींग हार्श बट दिस इज अगर आपने अपनी पौध को बचाना है अपनी यूथ को स्ट्रेंथ देनी है देन द पेरेंट्स नीड टू रियली बी अराउंड द चाइल्ड आप अपनी फैमिली um, पॉलिटिक्स से लड़के परेशान होके बच्चों को धुतकार नहीं सकते हैं और इट्स अ वेरी फुल ऑफ पेशेंस वाला जॉब आम्बल के आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और ख़ुशी खुशी किया hmm. क्योंकि मैंटली प्रिपेयर्ड थी yeah. तो प्लीज़ अगर आप बच्चे कर रहे हैं तो मैंटली प्रिपेयर्ड हों ये मत कहें कि अल्लाह की देने और हो जाता है hmm. <laughs> नहीं होता आपके हाथ में होता है <laughs> तो कर सकती कोई मजे का कॉमेंट या किसी का कोई डी एम आया किसी से मिला हो या किसी ने कुछ बोला हो आपको शब्दों पर हाँ हाँ बहुत लोगों ने किया बल्कि मैं हैरान हो गई मेरी पोस्ट तो कभी सोलाइस क्रॉस ही नहीं करती थी <laughs> तो यहाँ पे आठ हज़ार लाइक्स हो गए एक सौ चौदह एक सौ बीस करते चलते जा रहे हैं कमेंट्स और मेरा ख्याल है आप लोगों की ही बनाई हुई पोस्ट है जिसमें ज़्यादा इट्स डूइंग वेरी वेल सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट पीपल आर लाइकिंग द कैरेक्टर क्योंकि वाकई में सपोर्ट कैरेक्टर बड़ा रचाव लेकर आता है ड्रामे के अंदर और um, इससे मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर्स का शायद इतना ना रोजान बने पर राइटर्स को ये पता चलेगा कि सपोर्ट कैरेक्टर्स पे आप लोग जितना मजे से ग्रेरिया दे रहे हैं उसी तरह आप अपने लीड कैरेक्टर्स को भी दें ताकि मे बी ज्यादा लोग जो है उसके साथ कनेक्ट हो सके okay. मतलब कितनी जगहों पर हम कहते हैं हमारी जो टीवी की ऑडियंस है वो है सारी फीमेल है मतलब okay. पर मर्द भी देखना चाहते हैं ऐसा कितना कंटेंट yeah. गुजरा है जिसमें मर्दों ने भी बैठ के देखा है कॉन्टेंट हाँ देखते, देखते हैं बट देन दी बिकम बोर्ड ना यार बिकॉज mm -hmm. mm -hmm. आप औरतों को ही लेके जा रहे हो सास बहू को यू आर जस्ट लाइक गोइंग इन साइकिल्स एंड देट डिजेंट मेक सेंस जब तक आप साइकिल तोड़ेंगे नहीं ना आप किसी जगह या किसी रास्ते पे नहीं हो सकेंगे आपकी आ, सबकी अपनी अपनी वो होती है मंजिल होती है लेकिन रास्ते कौन क्या चूज करते जब आप उनको एक ही तरीके का दिखाएंगे तो फिर हम यूं ही घूमते रहेंगे सारे के सारे थे। थे। तो मुझे लगता है कि शबो का पसंद करे जाना किए जाना मेरे लिए भी बड़ा अच्छा है मुझे मुझे अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा सराहा लोगों की पजीराई हुई और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि उनको कॉमेडी पसंद आया उनको कॉमिक टाइमिंग पसंद आया एक चीज़ जो मज़े के कैरेक्ट लोगों ने अपनी तरफ से जो शेयर किया वो बड़ा अप्रिशिएट करके शेयर किया एक जो चीज़ मैं ज़रूर इधर वो करना चाहूँगी पिन पॉइंट कि मैंने ज़्यादातर मैसेज में ये ट्रोलिंग देखी लोगों की कि सब की उम्रें इतनी बड़ी क्यों हैं तो मैं सर ये कह और सारे इतने बदहियत क्यों लग रहे हैं बॉडी uh, शेमिंग हो रही है आपकी अगर डबल चिन नज़र आ रही है तो उस पर बॉडी शेमिंग की जा रही है भाई क्या हो गया सबके सब एक एज ग्रुप में से गुजरता गुजरते हैं ज़रूरी है हीरोइन पतली हो yeah. जरूरी है कैरेक्टर्स जो हो वो uh, प्यारे हमेशा प्यारे लगे परफेक्ट मेकअप के साथ हाँ वाई वॉट इज़ दिस एनल थिंग फॉर बींग परफेक्ट आपको अगर किसी का पेट नजर आ रहा है तो ज़रूरी है कि आप उसको धुतकारेंगे भाई वो हमारी जिंदगियों में मोटे पतले लंबे छोटे सब किस्म के लोग हैं किसी की स्किन ख़राब है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों ने और हमारे मीडिया वालों ने भी इतना ऑथेंटिकली एडवोकेट कर दिया है परफेक्शन को कि जो इम की ब्यूटी थी ना वो ख़त्म हो गई है अब हम रियल लाइफ में भी इम्परफेक्शन्स जो हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जिस तरह हम सेट पे जाएंगे तो या किसी ने एक कमेंट किया हुआ था कि शब्बो जो है वो आ, क्यों नौकरानी के रोल्स खाली कर रही है मतलब मेरे कैरेक्टर का नाम लेके से उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि भाई ठीक है यार अगर मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं करने तो आप इन्जॉय करें खाली आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि ये कैरेक्टर अच्छा है या निचले तबके का है ये कैरेक्टर जरा ज्यादा एलिवेटेड है तो ये जो ट्रोलिंग है ना इसको मुझे लगता है हमें डिस्करेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि ये कमेंट यंग लोगों की तरफ़ से आ रहा है yeah. और ज़्यादा औरतों की तरफ़ से आ रहा है मैंने देखा मर्द इस बात को निगेट कर रहे हैं कि डोंट टॉक लाइक दैट इस तरह ना बोलें उस तरह ना बोलें पर औरत ही जब औरत की इतना नुस्ख़्स निकालेगी तो फिर फेमिनिज्म तो गया तेल लेने <laughs> नहीं बिल्कुल आपने सही बात बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है कि ज़रूरी है कि चेंज करें इन द वे वी कॉमेंट या एवरी वन वही बात है सोचना चाहिए कि दूसरा भी जो है वो इंसान आपने अपनी बात कम्युनिकेट करनी है तो अगर तरी, जितनी तमीज़ से तरीके से कर सकते हैं हाँ. हाँ और सुपरफिशियल चीज़ों पे मत जाइए बिल्कुल आ, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता और इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें परफेक्शन दिखाएं ताकि लोगों को भी इम्परफेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी yeah. बढ़े मतलब मुझे लगता है कि हमारी माए एक एज पर जाके मोटी हो गई हैं yeah. तो जब आप किसी ऐसी ही औरत को धुतकारेंगे कुछ कह के तो इसका मतलब है आप अपनी माँ को भी धुतकार रहे हैं हाँ. आप बता रहे हैं अपनी माँ yeah. को अनकॉन्शियसली कि दिस इज व्हाट आई प्लेस यू एट या बाप को yeah. सफ़ेद बाल हो गए हैं yeah. या ये इतना बेढंगा क्यों चल रहा है तो किसी का बाप अगर बेढंगा चलता है किसी भी वजह से कोई भी हो जा मतलब यूर यूर अनदर फॉर्म ऑफ फ़नाटिसिज्म दैन

आई एम ऑल्सो अट रिज़र्व ऑन द सेट इन फैक्ट आई एम क्वाइट रिजर्वड ऑन द सेट बिकॉज मैं काम करने जाती हूँ वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा um, कभी कभी मेंटली यूर नॉट यू नो यू डों वॉन्ट टू एंड देन इफ़ यू आर डूइंग अ कैरेक्टर दैन यू डों वॉन्ट टू हाँ आई टॉक टू पीपल हु वुड लाइक टू डिस्कस अदर थिंग मेरा ख्याल है सब कास्ट के साथ बड़ा बहुत अच्छा रहा इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल सेट एंड देर वॉज नो एक दूसरे के साथ बिफोर दीन कैसे करना है क्या करना है क्योंकि आपके उनके साथ काफी है उसके साथ डिस्कशन इसलिए वो फ्यूटाइल हो जाता था क्योंकि इवेंचुअली जब हम सेट पर जाते थे तो फारूक कुछ और करवा देता था। okay. तो मैं फिर यूँ yeah. मैंने एक दो दफ़ा हमने कोशिश की उसके बाद जब बहुत दफ़ा चेंज हुआ <laughs> तो आई लुक टू आई सेट बेटर नॉट हाँ चलो चलो वी वुड स्टार्ट डूइंग वट एवर वी डूइंग इंडिविजुअली तो गाने बहुत सुनते थे hmm. हम लोग और uh, um, मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली हम लोग सीन uh, के अंदर ही होते थे तो दे वॉज नॉट मच इंटरेक्शन अदरवाइज बट इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल यू नो आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल हैव दिस आइडिया के स्टार्स जो होते हैं उनका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है जो कि होना भी चाहिए क्यों नहीं हो क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैम बहुत सारी चीज़ें वो एक वक्त में कर रहे होते हैं मल्टाटास mm -hmm. कर रहे होते हैं तो अगर आपको कभी लगता है कि उनका रिएक्शन जो है वो सही नहीं था So uh, it's so it's totally fine. They're not they're not targeting you. It's their life that they're trying to sort out. So uh, not that that happened on the set at all. But I'm just kind of putting it out there for a lot of people. I'm sorry. I'm speaking in English. Okay. It's okay. <laughs> Mostly In fact, <coughs> i और उसके बाद भी आपने कुछ बोला मैंने कहा अच्छा यार फिर देखिए मैंने बोला मैंने भी एक, मैंने, मैंने तो। मैं एक शेयर करती हूँ कहानी है, सेट के ऊपर इन रियल लाइफ आई कान टेल यू तो जिक्यू जो थी ना उसको कहीं से पता चल गया कि मैं कोई उर्दू दानू बहुत बड़ी हालांकि मैं नहीं हूँ हाँ, हाँ मेरी भी उर्दू बस नॉर्मल सी है मेरे से तो बहुत अच्छी लग रही रही है जो आप यूज़ कर हैं वो वो तो इसलिए क्योंकि हम लोग थिएटर करते रहते हैं हम उर्दू का स्क्रिप्ट भी लिटरेचर पढ़ते रहते हैं तो यू you नो know, उससे हो जाता है लेकिन अब जिक्यू जो है वो पता नहीं क्या कुछ जुमले लिख कर लेकर आती और फिर वो मेरे सामने बोलती अच्छा और ये लाइन होती है ना मेरे जुमलों की और फिर मैं शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया ना ये क्या कह रही है और मैं इसको देख रही हूँ तो फिर मैंने शमीम हिलाली से पूछा मैंने कहा <laughs> <शी नौर्वार। laughs> <शी नौर्वार। laughs> तो जैनम सुन लिया वैसे मैं को उसके पीठ पीछे नहीं बोल रही तो जैनम ने कहा मैं तुम्हें वो करने की कोशिश कर रही हूँ इम्प्रेस मैं कहा भाई तू मुझे क्यों अच्छा जैनब से मैं मैंने जैनब को साथ पहले काम नहीं किया हुआ था तो मेरे जीव के साथ भी बहुत सीन है तो ये इतना हंसाया उसने मुझे और शमीम ने कहा क्या है वो तुम्हें छेड़ वो तुम्हें छेड़ी है उसके बाद तो ख़त्म ही नहीं होता था yeah. मतलब अगर मैं सेट पे आती थी इसके सीन्स हो जाते थे मैं सेट पर आती थी तो जिक्यूज बैठती आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया जहन नसीब आप यहाँ तशरीफ़ लाई और हमारे चारों तबक रोशन हो लाइक मेरे के जहनों चारों तबक यहाँ पे नींद से माल ये अकेले वाली <laughs> उसने क्या, क्या कुछ उसके बाद रात लेट नाइट जब हम घर चले जाए तब भी उसके मैसेजेज रहे होते हैं उतनी शदीद उर्दू में वो होता था गुंजल होता था कि मैं कहती थी और मैं हँस से उसके मेरा बुरा हो जाता हूँ आपको था। भेजती हैं उर्दू वाले स्टिकर्स

हाँ कुछ कहानी को जानते हैं हाँ बचपन से शौक़ था या हाँ ये कोई एन में आपको आइडिया आया कि मुझे नहीं नहीं मुझे बचपन से डांस का गाने का और एक्टिंग का शौक था ये तीन जो मेरी चीज़ें थी मुझे पता था इंटरनली कि मैं अच्छी करूँगी और घर में सपोर्ट थी या घर में कोई भी देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कहना कि घर में सपोर्ट थी यानी क्योंकि कुछ लेवल पे थी कुछ लेवल पे नहीं थी पेरेंट्स um, के अपने वसवसे से होते हैं जिसकी वजह से वो कह रहे होते हैं एजुकेशन अपनी पहले कर लें um, हमारे रुझान नहीं है यहाँ पर गाने का या डांस करने का और बड़ी uh, इंटरेस्टिंग बात है इनफैक्ट um, um, हम डिस्कस कर रहे थे मैं चूँकि क्लासिकल ट्रेनिंग भी लेती हूँ तो मेरी जो गायकी में फ़र्क आया है uh, उसमें आवाज़ जो है वो बड़ी um, एक ऐसी आवाज़ कभी कभी आप एसोसिएट जिससे कोठे की आवाज़ से आप एसोसिएशन करते हैं ये जो फ़िल्म में गाना गाना किसी औरत का या, या मर्द का जो कि गर्ल नेक्स्ट डोर का कॉन्सेप्ट है उसको आम कर दिया है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ओके। और उसको एक वो नहीं रहने दिया है आम, क्योंकि आवाज़ बड़ी पतली और प्यारी सी कर पेश की गई थी बजा, बजाय मोटी और बड़ी बेस वाली क्योंकि ये पोस्ट माइक का दौर okay. है तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो जिधर अखलाकियात कुछ ज़्यादा ही uh, hmm. होती हैं उसमें एक्सेप्टेबिलिटी um, आ गई अब आ गई ना क्योंकि हाँ। फिल्म ने अलाउ किया जो फीचर फिल्म्स थे उन्होंने वो मतलब मैं जब जवान हो रही थी नाइन्टीज़ के दौर में उस वक्त भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था okay. क्योंकि सुनते थे आप लता को सुन रहे हैं चित्रा को सुन रहे हैं गज़लों में और भी लोगों को सुन रहे हैं तो वो आवाज़ें जब एक्सेप्टेबल हुई औरत का गाना जब एक्सेप्टेबल हुआ तो आज आप देखिए एक वो है एक, 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 एक स्ट्रीम ऑफ गर्ल्स हैं जो कि मोटी आवाज़ों में गा रही हैं जिनका थ्रो बाहर तक है वो मिनहनी सी नहीं है देर बोल्ड तो वो जो एक्सेप्टेबिलिटी आई है वापस हम सर्कल लेकर आए लेकिन वी हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट कि औरत की आवाज़ एक तो औरत का गाना इज़ ओके औरत की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाजतन लाइफ सुनाई दे वो मिनहनी सी डरी हुई सी प्यारी सी ना हो दैट इज़ आल्सो फाइन सो और फिर ऑबियस उसमें आपदा परवीन का बहुत uh, वो है आ, अमल दखल है उनकी आवाज का उनकी जो भी कलाम उन्होंने रेशमा भी आई वुड से ऑफ कोर्स हाँ yeah. ये दो ये नाम लेने हमारी, चाहिए हमारे हमारे फोक सिंगर्स या हमारी जो हाँ, जो पुरानी सिंगर्स हैं उन्होंने हाँ, बहुत आई थिंक राह हमवार की जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल तो, लेकिन आई थिंक रेशमा आल्सो आई थिंक वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ अपीवल्स ये course, हुआ है और फिर नूरजहां ने बड़ा उस चीज को मैडम नूर जहाँ जो हैं उनको उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और अब हैं हमारी सनम मारवी hmm. उनकी आवाज़ तो इज़ इन लाइफ तो मुझे लगता है कि ये जो अब एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है जिसमें घर में ही इजाज़त मिल रही है माँ बाप की तरफ से वो और वो करियर बन रहे हैं उनके yeah, वो मैं जब छोटी थी और मेरा टाइम था करियर चूज़ करने का उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया नहीं तो और नहीं। लेकिन सपोर्ट रहती थी क्योंकि गाते थे हम गाती सब औरतें थीं नोहा खानी करती थीं okay. तिलावत भी करती हैं घरों में और फिर हम नात खानियाँ भी करते हैं तो ये जब सब चीज़ें हमारा पार्ट हैं कल्चर का तो गाना बस एक फ़र्दर स्टेप था जो जब आया तो फिर आसानी हो गई बहुत सारी चीज़ों में तो जब आपने डिसाइड किया कि एन में आप थी और फिर आपने किसी इंटरव्यू में शेयर किया था कि आपकी प्रिंसिपल बहुत आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देती थी हाँ, हाँ. कि सोसाइटीज़ क्रिएट करो वहाँ से आपको थोड़ी डायरेक्शन मिलना शुरू किया हाँ. और आप लोगों साजदा हैदर वंडल वॉज़ आर प्रिंसिपल एट दैट टाइम और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी okay. uh, उनको पता था कि वो नज़र में रखती थी बच्चों पर उनकी बड़ी अच्छी नज़र थी कि कौन आ, क्या कर सकते हाँ। हाँ। वो आके बैठती थी हमारी सोसाइटीज़ में तो जब हम कभी कुछ प्र, प्रोपोजिशन लेके जाते थे या प्रपोज़ल लेके जाते कि हम अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं तो वो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करती थी और इसी तरह हमने सोसाइटी एक बनाई अलिफाब जिसके मेन जो हमारे क्रिएटर थे वो आ, साजी गुल थे ओ, हम, जो हम 2001 okay. और जब अलिफ आदाब वो हो गई सेटल हो गई तो हमने जो पहला अपना थिएटर किया था वो मंटो के अफसाने किए थे mm. और उसके अंदर जब हमने मंटो के अफसाने में एक कैरेक्टर है थीला का थीला की बहन जो है वो एक रकासा है okay. और थीला को मार दिया जाता है कंपनी की लोगों की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है तो वो शहादत उसको मिलती है और उसी रात थीले की बहन को रक़्स करने के लिए बुलाया जाता है तो एक बहुत बड़ी उस रकासा की आ, उसका गुस्सा है उसका एहतजाज है जो कि साजी ने आ, आ, डाला था उसके अंदर और आ, उसके लिए वो क्या होता है तो पहले रक्स होता है और वो रक्स बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसके साथ रक्स करते करते पीछे थीला भी रक़्स कर रहा होता है तो शेडो वर्कस के साथ हमने वो काम किया था तो आ, वो लड़की जो जिसको हमने पहले डांस सिखाया वो लास्ट मोमेंट पर उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझे इजाज़त नहीं दे रहे okay. तो साजी ने कहा क्या करें hmm. <laughs> कहते तुम कर लो <laughs> तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कर मैंने बगैर सोचे आई सेड फाइन अब तो oh. बचाना है ना उसको हाँ, उस शो हाँ, हाँ. को इतनी मेहनत की इतनी मेहनत हाँ तो हमने वो मैंने वो चढ़ के कर लिया बस वो देख वो लोगों जो जिस जिसने वो देखा और उस वक्त रफ़ी पीर थिएटर बहुत होता था हमने रफ़ी पीर रफ़ी पीर थिएटर में ये परफॉर्म किया था तो जब उधर बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आए थे प्रोड्यूसर्स भी आए थे जो थिएटर करते थे आ, तो उन्होंने फौरी तौर पर कनेक्ट किया मेरे साथ तो मुझे उस वक्त तो आज सोच सोचनी थी कि मैं टेलीविजन में जाऊंगी या कुछ करूंगी पर मुझे ये एहसास हो गया कि जो मैं सोचती थी कि ये मैं अच्छा कर सकती हूँ वो मुस्तनद हो गया मतलब तो उस पे मोहर ये दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड मुस्तनद <laughs> शायद अब आप भी मुझे यूज करते हुए सुनने आई हो कि मैंने पिक पिक कर लिया खास और मुस्तनद अच्छा <laughs> <था। laughs> तो मुझे तो फिर थिएटर से आपने बेसिकली हाँ, स्टार्ट किया हाँ। तो ड्रामे में कैसे आए आप ड्रामे में फिर यही था साजी ने एक यही इसी फिल्म इसकी एक फिल्म बनी ऑब्वियसली थिएटर की और उन दिनों सरमद अपनी एक टीम बना रहा था सरमद खुसर जो है और वो ड्रामे कर रहा था अपनी पूरी तरीके से एंटर हो रहा था एज़ ए डायरेक्टर तो इसने मुझे ऑफर किया सरमद ने सरमद ने इससे इस पूछा, पूछा साजी से तो साजी ने कहा कि क्या कर लोगी टेलीविजन में काम मैंने कहा कर लेंगे कर ले मतलब क्या इसमें क्या मसला है <laughs> तो जब बाद में पता चला कि बहुत मसला है क्योंकि मेरा जो पहला सीन था जो मेरा डेब्यू के तौर पे हुआ वो खुसेट अंकल के साथ हुआ इरफान अंकल के साथ और मैं oh उनको मैंने देखा और मैंने कहा यार दिस इज टू मच यू नो दल आई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम आ, लेकिन वो हो गया उस दिन भी बारिश हो रही थी और वो दिसंबर बारिश, बारिश हो थी। अच्छी होती है तो ये भी अच्छा जाएगा इंशाला। <laughs> इंशाला। तो वो बारिश हो रही थी वो हमने किया सीन वो बड़ा अच्छा लगा उनको और साजिक ने डायरेक्ट किया था पहला सीन था पहला सीन का नाम था मेरा बाऊ ये टेलीफिल्म ये सीरीज ऑफ टेलीफिल्म थी okay. जो के नवरस के ऊपर बेस करके साजी ने लिखी थी ओके okay. और वो द वेरी वेल रिटन आई मीन थिंक उस वक्त साजी भी 23 24 साल का होगा तो मास्टरपीस उसने yeah. लिखा था yeah. um और सारी टेली एंड इट वाज टू डू विद मेंटल हेल्थ दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें मेरा तो छोटा सा सीन था बिकॉज़ दे वर ट्राइंग टू सी कि मेरी लुक क्या होगी एंड ऑल दैट तो इट इट रिलेटेड इट रिलेटेड टू योर ओरिएंटेशन योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो वो बड़ा um, बहुत खूबसूरत तरीके से uh, इसके मेन लीड्स जो थे उसमें में नुमान एजाज थे ओके okay, okay. तो जब मैंने बाद में देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा mm. देख के okay. फिर मैं करती है। एजुकेशन में नहीं एजुकेशन में चली गई यू वेंट अब्रॉड नो नॉट देन आई वॉज टीचिंग एट है फिर मैंने पूरा अपना फोकस टीचिंग पे दिया um, मैं पर्मानेंट हुई वहाँ पर और चार साल पढ़ाने के बाद मुझे आ, ऐसे ही हुआ मुझे आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी तो लेकिन चूँकि घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे तो शुक्र है ऐन से तक कम पैसे दे दिए उन्होंने no. <laughs> <laughs> तो माई मत उ करो हालांकि शी शी वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज बट देन लाइक कहाँ से लेकर आऊँ mm -hmm. तो आ, घर वालों ने बहुत हेल्प की जो एक्सटेंडेड फैमिली yeah. थी उसकी तरफ से बहुत मदद हुई लेकिन आ, ये जब मैंने फुल ब्राइट सिक्योर की उसके बाद तो फिर हर चीज़ द होल वर्ल्ड वाज ओपन टू मी कहाँ जाना है अमेरिका में और किधर पढ़ना है तो आई चोज सैन फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो था वो इंटर डिसप्लिनरी फॉर्म लेके चलता था कोर्सेज़ की विच आई वॉज ऑलवेज़ इंटरेस्टेड इन वो एक नया नया कॉन्सेप्ट है 2004 में जिसको शायद तूल पकड़ने में 2008 तक लग गए चार पाँच hmm. साल लगे आज तो हर जगह इंटर hmm. है तो मुझे लगा कि ये इससे बेस्ट मेरी ट्रेनिंग कहीं नहीं हो सकती थी बीच में हमने अभी आपको जैसे लास्ट में बात करे थे लम्हे आपका लास्ट प्रोजेक्ट था फिर हमने आपको नहीं देखा कुछ अर्से तक तो क्या हुआ क्या आप हमें नज़र नहीं आ रही थी रोल्स आपको इंटरेस्टिंग नहीं ऑफर हो रहे किसी और चीज़ें बिजी हो गई थी फिर शब्बों ने वापस आपको लेकर आया तो क्या हुआ था बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि रोल्स बहुत बुरे आ रहे थे जब इतने रोल्स बुरे मुझे मिले वो सारे के सारे परी के बेसिस पे रख के उन्होंने भेजे ये इतना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं ना वाज लाइक यार मैं मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ मैं बार बार ये बात लोगों को कहती हूँ और लोगों को पता भी है मुझे काफ़ी लोग कहते हैं मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ अपने करियर्स में तभी तीन चार करियर्स है मेरे पास जो मैं इंजॉय करती हूँ आई होप फ्राम आई जैक मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप दैट हैं जस्ट लाइक मी was like <laughs> uh, yes. <laughs> आई yes, so yes. saying <laughs> हम बात कर रहे थे कि रोल्स आपको इतने हाँ, अच्छे, तो परी के परी के लाइन पे ऑफर हो रहे थे हाँ, तो फिर उसके बाद आ, आ, तो मेरी बेटी में छोड़ दूँ बस हाँ मैं, मैंने आम्बल को देखा वो पाँच महीने की थी और जब मैं ये लम्हे करने गई तो दो दिन के लिए मुझे हैदराबाद मटियारी रुकना पड़ा तो जब मैं वापस आई तो मतलब वो ऐसे चिपकी मुझे कि मेरा दिल यूँ हो गया ना तो इनफैक्ट आई थिंक मैं एडवोकेट करती थी फीमेल्स हु वर सिंगल पेरेंट्स और नॉट बट स्टिल विद चिल्ड्रन दे वर गोइंग आउट टू वर्क मुझे मर्दों के लिए और औरतों के लिए दोनों के लिए सिंपथी जागी कि आप जब बच्चों को छोड़कर घर में जाते हैं और बाप तो ज़्यादा जाते हैं माएँ जो जाती हैं ग्रेट लवली बट आई कूडन डू इट

अराउंड तो वो बड़ा प्यारा उस परोग्राफी क्रिएट हो रही है mm. तो अब वो उसको लेके जा रहे हैं ऑनलाइन लेके जा रहे हैं तो इट वॉज़ ईजी टू काइंड ऑफ डू इट फ्राम होम नाउ यू नो हैव टू गो आउट फॉर देट बट ये फिर मुझे जब चॉइस मिली तो आई टुक दैट चॉइस एंड आई वॉन्टेड टू स्टे होम विद माई डॉटर जब मैं बाहर होती हूँ तो जीशान टेक्स ऑफ यू नो he then becomes a stay home dad. कम्प्लीटली हमने अपने घरों का स्टाइल ही ऐसे रखा हुआ है कि ऐसा कभी भी ना हो कि भाई अगर वो घर में तीन चार महीने के लिए है और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है तो कोई तनकीद का निशाना बनाए या क्या जो कि ज्यादातर मर्दों को हो जाता है भाई तुम घर क्यों बैठे हो अच्छा अब तुम बच्चे तो संभालोगे नहीं है स्टे होम ये हमारे यहाँ नहीं, नहीं है, है। बट ट्राइंग के बिल्कुल होना चाहिए होना चाहिए ये तो लिविंग दैट वे वी आर ट्राइंग टू एडवोकेट दैट और क्योंकि बच्चा बाप से भी उतना ही करीब ये क्या बात हुई कि माँ कहेगी बस बाप को आने तो शाम पेड़ लगवाऊंगे <laughs> उसको माँ को आने तो शाम तो तो बताएगी भाई <laughs> <laughs> होना चाहिए प्लीज राइट समथिंग लाइक दैट अच्छा मुझे ये बताएं अभी मैं ये आपकी बात भी सुनी थी उससे पहले भी मेरे जहन में यही सवाल था कि थिएटर कर रही हैं आप उस ज़माने में जहाँ थिएटर बेचार मैं थिएटर को बेचारा ही बुलाऊंगी <laughs> बहुत इग्नोर हो रहा है यू hmm. नो you know, उसमें वो मॉनेटरी बेनिफिट्स uh, भी नहीं है जो एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स में हैं hmm. इस वक्त hmm. उसको वो uh, पज़ीराई भी नहीं मिलती जो कि ड्रामे फिल्म या इवन म्यूजिक को मिल रही है hmm. तो क्या मोटिवेशन है क्या आप फिर भी कर रही हैं थिएटर और uh, दो सवालों को मिक्स कर रही हूँ दूसरा है ये कि कभी कभी डू यू फील द आटवे आउट कि आप वो सारी चीज़ें करना चाहती हैं या कर रही हैं या वो बाहर बोल रही हैं जो दूसरों को समझ नहीं आ रही है आस जैसे थिएटर का ले लेने हाँ यू you नो know, जैसे मैंने ड्रामे छोड़ दिए कि बिकॉज रोल्स नहीं मुझे अच्छे लग रहा है एक्चुअली वे आई थिंक एट दिस एज राइट नाउ द स्टेज दैट आई एम एट आई एम मेचोर इनफ टू नॉट फील द वन आउट एंड ऑल्सो इस बात को uh, हज़म करना मुश्किल था hmm. लेकिन कर लिया वो कड़वा गूंढ जो हम पीते हैं कि ये मेन uh, स्ट्रीम नहीं है देखिए आगा हशर जहाँ से थिएटर का एक मोड लेकर आए जो कि फिर फिल्मों ने अडॉप्ट किया और फिल्में जो शुरू की आपको फिल्में मिलती हैं फिफ्टीज़ 40s के दौर की वो पूरे आगा हशर के थिएटर के ऊपर बेस करके वो फॉर्मेट क्रिएट हुआ हुआ है तो ये थिएटर जो है ये तब तक पॉपुलर था जब लोगों के पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं थी True. लोग आते थे बैठते थे तीन तीन घंटे का प्ले देखते थे और तहमल से बैठ के देखते थे गर्मी में yeah. जहाँ पे आप पंखे भी नहीं चला सकते क्योंकि आपको सुनना आवाज, आवाज ही नहीं आएगी फिर तो उसके बाद जब फिल्मों ने टेक ओवर किया तो मुझे लगता है कि वो एक ऑब्वियस सी बात है कि वो सिनेमा में जाएंगे वहाँ पे में देखेंगे उस वक्त भी सिनेमा में उस तरह का कैसी नहीं होता लेकिन आपको बड़ी स्क्रीन पे आवाज Mm -hmm. सुनाई दे रही है शक्ल भी दिखाई दे रही है लोगों की और वो ज्यादा कलरफुल और ग्लैमरस भी मतलब उसमें मूविंग इमेजेस आपको दे देर क्लोजर टू यू दे लार्जर देन लाइफ। थिएटर में भी लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्टुअली एंड एक्सपीरियंसली बट इट्स स्टिल फार अवे फ्रॉम यू तो थिएटर ने कम होना ही था और फिल्मों को पذیرाई मिलनी थी तो आ, मुझे लगता है कि जो लोग थिएटर करते हैं वो उसके पैशन के लिए करते हैं आ, वो कभी भी थिएटर में ऐसे नहीं घुसेंगे कि उनको पैसा मिलेगा आ, उनका उनका जो आ, सोच होती है वो ये है कि हमें जहनी सुकून, रूहानी सुकून मिलेगा और वाकई मिलता है क्योंकि जो आप थिएटर में करते हैं वो आप फिल्म में नहीं कर सकते वो आप ड्रामे में भी नहीं कर सकते हाँ ड्रामे और फिल्म से आपको वो सुकून मिलेगा कि आप मैसेस तक पहुँच जाएँगे और फिर आपको जो अब जैसा ये शबों का कैरेक्टर है वो इतना उछ उच, उछल पड़ा है मुझे अच्छा लगता है लोग जब लोग जब शेयर करते हैं लोग मुझे एक्सप्रेशन ए, ए, एक्सप्रेस करते हैं अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं तो एक खुशी होती है मेरी इंडोफिस में सौ गुना कम जो कमी हुई होती है वो बढ़ जाती है तो लेकिन इसके बरक्स ये मेरी पर्सनालिटी है जब मुझे थिएटर में किसी चीज़ की पजीराई मिलती है और वो उसी वक्त मिलती है ये तो शब्बों को किए हुए हमें डेढ़ दो महीने हो गए <laughs> तो उसका वो एक खत्म भी हो जाता है निकल जाता है आपके अंदर से अब आप एक कैरेक्टर में ढले हुए हैं उसके कॉस्ट्यूम में खड़े और आपने एक लाइन बोली है और उस वो किसी को हंसा दिया या किसी को रुला दिया उसी वक्त या किसी के मुंह से बेधड़क वाह निकल गई वाहवाही हो गई या उसमें ताली जो कि नहीं पीटनी चाहिए लेकिन पीट दी लोगों ने हाँ तो आप ऐसे आपके अंदर जो थकावट होती है स्टेज पे खड़े होने की वो जब वो सब ख़त्म हो जाती है और आप घर आते हैं तो आपको लगता है कि यार आज आपने पता नहीं आईफल टावर जो है ना वो खुद चढ़ा है विदाउट एनी हेल्प तो आप सुपर हीरो हो जाते हैं उस टाइम पर और एक्सपीरेंड इट बट मैंने बहुत थिएटर एक्टर्स थे ये जहाँ बात कह रही है वो सुनी है सो आई आई कैन अंडरस्टैंड के वो वो जो वो फील है वो डिफरेंट है इसकी अपनी बात है उसकी अपनी बात है तो हम आपको आगे देखेंगे काम में दोबारा हम और प्रोजेक्ट्स में देखेंगे या फिर आप तीन चीजें पाइपलाइन में हैं जो कि मुझे शायद टे टे टेलीविजन से दूर ले जाएं oh, आ, अच्छा, लेकिन नहीं नहीं समझी कुछ स्क्रिप्ट्स का कह रही कि दो तीन चीज़े <laughs> चीज़ें में <laughs> नहीं मतलब तो टेलीविजन से तो दूर ले जाए लेकिन हो सकता है कि वो सिनेमा स्क्रीन की तरह ज्यादा हो तो लेकिन देखें अभी पेंडेमिक खत्म होगा सिनेमास खोलेंगे तो ही कुछ कहा जा सकता है अच्छा तो आप आप हमारे स्टूडियो में और ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपसे कहें कि मत हाँ, या क्या बगैर चली जाए हाँ, तो मैंने इतना बोला है अल्लाह करे कि मेरी मतलब जो मैंने क्या गुनगुना रही है कौन सी गजल है नासिर काजमी की लिखी हुई है और गुलबहार बानो ने इसे परफॉर्म किया हुआ है बहुत खूब गाया हुआ है तो <laughs> मैं खराब ना कर दूँ उनका उन्होंने जो गाया हुआ लेकिन कोशिश मेरी <hans> <hans> हाँ, तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना तो क्या ये तय है कि अब उम्र नहीं मिलना तो फिर ये उम्र भी क्यों तुमसे कर नहीं मिलना तो क्या ये तय है चलो जमाने की खात ये जब भी सहली चलो ज़माने की खात ये जब्रभि सहले के अब कभी जो मिले टूट कर नहीं मिलना तो फिर ये उम्र भी क्यों तुमसे से गर नहीं मिलना तो क्या ये तै है सोनाइस माशा थैंक यू सो मच शुक्रिया कि आपने मेरी को के शुक्रिया <laughs> कि आपने मुझे या जिसने मैं सीखू की उसमें सही नसीब कि नहीं। आपने मुझे <laughs> मैं ये नहीं बोलूँगी कि याद किया मैं ये नहीं बोलूंगी कि चौदह तब रोशन होगा <laughs> मर्मर, परी का कैरेक्टर मतलब अब आप आइए तो परी पे तो बात करके दो मिनट की करनी पड़ेगी ना <laughs> okay. उसका क्या रिएक्शन था हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस आपका आ, परी को तो करते हुए परी को तो जो मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा ये तो मैंने करना है लेकिन किसी वजह वजूहत की बिना पर मैं वो कर नहीं पाई थी और वो कैरेक्टर किसी और को मिल गया था तो हैड ऑलरेडी शॉर्ट विद हर मुझे बाद में पता चला कि वो खा, खातून दुबई से आई थी और oh. बड़ा बड़ा काम हुआ बट चूंकि वो इतना परी वॉज लाइक द फीमेल वैम्प द वैम्प ऑफ दैट पर्टिकुलर वो बहुत चीज़ों को घुमा रही थी <laughs> uh, इस एंड पे तो नीडेड uh, समबडी जो खाली सॉफ्ट इतनी सॉफ्ट स्पोकन ना हो तो मुझे फिर शूट <laughs> हमारे शूट में हफ्ता रह गया था दे हैड टू कम बैक फ्रॉम सवात तो मुझे फ़ोन आया जो काशान का मुझे फ़ोन आया गुड फ्रेंड आल्सो और तो उसका मुझे फ़ोन आया उसने कहा कि कैफ अभी निकल सकती हो एंड सेड व्हाट तो कहता है टिकट एवरीथिंग इज़ रेडी जस्ट लीव राइट नाउ और तुम्हारी कल से शूट स्टार्ट है तो ये शाम के पाँच बज रहे थे hmm. और मैं घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंची आई सेड यस पहले मुझे लगा मेरे हाथ से निकल गया कैरेक्टर एंड आई वाज रियली सैड कि क्यों निकला है नो आप बहुत करना चाहती मैं थी बहुत मैं पहले इतना कभी कन्विंस नहीं थी किसी कैरेक्टर uh, के लिए जितना मैं परी के लिए थी तो uh, जब मुझे इसने कहा तो मैं एकदम से हो गई एक्टिव हो गई मैंने कहा ओके आई गो ऑल दो मेरे दिल में निगल था कि uh, क्या कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ कुछ फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी बिकॉज इट ड मुझ आई लाइक टू इंटरनलाइज थिंग्स अ लॉट तो परी मैं इंटरनलाइज़ नहीं कर सकी थी इतनी जल्दी uh, लेकिन जब फिर फिर हमने सारी रात सफ़र तय किया मैं सुबह साढ़े पाँच बजे वहाँ पहुंची और मैं uh, <laughs> मैं एंटर हुई हूँ और उसी वक्त uh, सवाद से ये लोग निकल रहे थे उज़मा मिकाल एंड hmm. उमेर ये तीनों इनका काम ख़त्म हो गया था तो हमने रस्ते में एक दूसरे को बाय बाय किया और मैं सेट पे एंटर हुई और हम अगले दिन आठ बजे शूट, शूट स्टार्ट किया हमने हुँ, हुँ. हम ऊपर ऑल द वे हम एक माउंटेन पे जाते थे जहाँ पे परी का घर दिखाया था तो रूनयाल शाह नाम था उस पहाड़ का डेढ़ घंटा okay. ऊपर है wow. सवाद से बड़ा प्यारा रास्ता होता था ऑल तो चलते चलते इतनी नहीं मियनड्रिंग सी कि आपको उल्टी सी आ जाती थी चलते फिर वहाँ पहुँच के रिलैक्स हो जाते थे तो फिर हमने परी जब पहला दिन जो था वो थोड़ा सा फीका गुजरा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि परी को क्योंकि मैंने वहाँ की औरतों को नहीं देखा हुआ था तो मैं ढूंढ रही थी मुझे कोई औरत और वहाँ पे आपको औरत नजर ही नहीं आती हुँ, हुँ, हुँ. तो कनेक्ट तो तो, नहीं कर पा रही और वो सीन शायद सिर्फ मैं ही देख के कह सकती हूँ कि यार ये इन डेप्थ नहीं मैंने की है वो दो तीन सीन से थे खाने का ब्रेक हुआ और उस घर की कुछ ख़वात जो एक ही कमरे में होती थी उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे साथ आगे खाना खाएं। तो आई ग्रैपड दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई सेड यस आई विल फूड वो इतनी प्यारी शख्सियत थी सारी की सारी पर देन ऑल आई डिड लुक एट देम मैं तो ऐसे और पता नहीं उनको लगा होगा कि साइको के साथ ही मैं बस यूँ देख रही थी मैंने ऊपर से नीचे उनको यूँ देखती ऊपर देखती उनको शायद अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि हम उनके शूट कर करें तो दे इन या शायद सोच ही नहीं रहे होंगे पर मैंने बहुत घूरा उन्हें उनकी बात करने के स्टाइल को देखा उनके बालों को देखा बॉडी लैंग्वेज की कैसी बैठी हुई हैं कैसे नहीं और फिर ये अफतारी हो गई थी क्योंकि रमज़ान चल रहा था तो अफतारी के बाद फिर जो सीन फिर शुरू हुए उसमें मुझे पता चल गया है, मैंने परी को पकड़ना कैसे hmm. और फिर पहले दो तीन दिन सेट पे मेरे साथ वो भी थे टीपू यज तो वो तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा तो ही ही इज़ ऑल्सो इन टू कैरेक्टर राइटिंग तो उसने मुझे इतना कंफर्टेबल किया hmm. कि पहला शायद पहला दिन ही वो सीन था जिसमें मैं उसको पट्टी बांध रही हूँ hmm. और डांट रही हूँ मेरी नींद की इतनी कमी थी कि मैं याद नहीं कर पा रही थी सीन बार बार सो सो जा रही थी तो मैंने सैफी की तरफ देखा मैंने कहा भाई करके इसको लगा <laughs> मुझे लग है ये, ये कर लेना <laughs> <करके लाएं। laughs> <करके लाएं। laughs> करना वो कर लेना <laughs> तो वो सैफी मुझे एक लाइन बोलता था मैं वो लाइन बोलती थी और फिर वो हम <laughs> तो वो उस सीन में बहुत एडिट हुआ हुआ है जो कि अक्सर मेरे सीन्स में नहीं होता जब आप वन गो में लाइंस देते हैं लेकिन वो अच्छा हो गया सीन mm. थैंक गॉड mm. क्योंकि मुझे लगा कि एक तो टीपू ने बहुत हेल्प की mm. और दूसरा उन खातियों से मिलने के बाद बहुत मुझे बहुत हाँ क्योंकि मैं mm. कभी भी किसी सवाद की कि किसी भी ट्राइबल खातून से नहीं मिली थी ऑल mm. तो मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हूँ जहाँ पर कहीं कहीं कनेक्शन है ट्राइब्स का लेकिन हमारी घर की औरतें फिर भी थोड़ा सा बाहर निकली हुई हैं तो वो तो बिल्कुल ही अंदर बंद है ना सारी तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा शिफ्ट था जो परी बन परी बनी है, है। उ, उन औरतों को मिलने के बाद और उसके बाद फैन रिएक्शन लोगों ने कैसा सर रहा क्या बातें होती थी क्या सोच रही थी वो एक्सपेक्टेशंस थी कुछ या जो रिस्पांस आया वो कैसा था परी के लिए रिस्पांस मैं एक तो इतना वो नहीं थी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी उन दिनों तो मुझे इतना नहीं पता पर मुझे जब लोगों ने टैग किया जिस तरीके से आ, एक मैगज़ीन था उन्होंने अपनी आ, पूरे साल की जब लिस्ट निकाली ऑफ कैरेक्टर्स हु हैड इम्प्रेस दम उसमें मेरा भी नाम था समबडी सेंटेड टू मी एंड आई रेड इट सो देट वॉज अ सरप्राइज एंड आई लाइक इट क्योंकि मैं काफ़ी अर्से तक मैं कुछ कर नहीं रही थी yeah. तो मुझे अच्छा लगा जब इधर से आ, सराहा एक्टर्स ने बहुत सारे आ, इंडस्ट्री के एक्टर्स ने मुझे कॉल किया दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट परी एक्चुअली वाज अ हिट विद पीपल एंड रोल था उसमें रोल बहुत मीठी रोल था वो रोल था. तो मुझे लगा कि पर पता है क्या है आज के दौर की जो मीम्स का एक वो चल रहा है ना पॉपुलैरिटी mm -hmm. उस वक्त ये नहीं, नहीं थी ना तो आप तो, तो, से कहां पहुंच जाती आई डोंट नो अभी मैं दैट ही को पर जब मैं गीली सीढ़ियों से ऊपर आई ना बारिश के टपकते uh, हुए ठीक हूँ <laughs> लेकिन mm. हाँ जो, जो लोग एक्टिंग समझते हैं एक तो मतलब जो रिएक्शन uh, था वो ये था We are so jealous. कि वी आर सो जेलस इवन द मेल्स कॉल्ड से कॉलमियन सेट आर सो जेलस वी आर सो जेलस ऑफ योर कैरेक्टर किस क्या लिख दिया mm. और मुझे लगता है मुस्तफ़ा अफरीदी डिड अ एब्सोल्युटली yeah. tremendously intelligent job. Hmm. एक तो वो उस सिनेरियो को जानते हैं yeah. ट्राइबल सिनेरियो को पर जो लव्स उन्होंने दिया हर कैरेक्टर के पास पंच लाइंस थी उस ड्रामे में वो ना आप उसी कैरेक्टर्स में तो आपको लगता है हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ है यस यस वो भी ऐसा नहीं है साइड हाँ, सा नहीं है हाँ. हाँ. तो वो um, और वो टीम बहुत अच्छी थी आई थिंक सेफी इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर ही मेक्स एवरी थिंग सो कम्फर्टेबल ऑल दो हम uh, मेरा ख्याल है चार बजे तक हम सब के सर फट रहे होते थे रोजे की वजह से और हम एक दूसरे को खा के पढ़ना चाह रहे होते थे लेकिन वी स्टिल काइंड ऑफ टुक दैट थिंग बाई हेल्पिंग ईच अदर सो आई थिंक द होल टीम इट सेल्फ वॉज वेरी नाइस एंड प्रोड्यूसर से लेके कास्टिंग से लेके ऑल द वे टू द क्रू दे वेरी पॉजिटिव मैं किसी को उस सेट पर नहीं कह सकती एक भी बंदा ऐसा हो जो नेगेटिविटी लेकर आ रहा हो उस सेट पे सो दैट वॉज बट आई थिंक इट द कॉन्टेंट वॉज सो रिच दैट प्लेइंग इट वॉज जस्ट अ फिफ्टी परसेंट ऑफ आर एफर्ट

नहीं आई थिंक बहुत अच्छा सबने अप्रिशिएट भी किया सराहा भी और आपने बहुत mm. अच्छी परफॉर्मेंस की और अभी तो आजकल हम शबो को बहुत पसंद वेटिंग <laughs> के शबो के क्या नए कारनामे होंगे और क्या क्या वो दिखाएंगे हमें आगे जाके रंग भी <laughs> yes. yeah, yeah. yeah, yeah. so आपने आज टाइम निकाला मुझे मालूम है बहुत बिजील चल रहा था मैंने कहा दिन के वक्त किसी वक्त टाइम निकाल सकती है बताएं फिर आज का टाइम मिल गया ऊपर से बारिश शुरू हो गई मैंने यार इतनी मुश्किल से एक टाइम सेट हुआ है मैं एक्चुअली आज, तो, आज जब तुम्हारा फोन आया और मैसेज आया कि लेट्स नॉट टू थर्टी तक हम देखते हैं तो माई हजबैंड रोजाई Are you serious? आई यू सीरियस <laughs> निकलाती निकला, निकलाती घर से बारिश रुक गई ना I'm like, are you serious? तो मैंने इसलिए फिर यू early एड किया लेकिन obviously वो करते करते थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन yeah. अम, I wanted to be here, so thank you. आई so I I really want to appreciate how you're running the magazine. I think thank it's got so a very very peppy feel hmm. and very modern feel, जो कि आज की फील को grab करने के लिए बड़ी uh, अच्छी है कब तक हम uh, तीन और तीन कहानियों <laughs> में <रहेंगे>? Not us. <laughs> हम तो बहुत बोलते हैं बहुत मजा आया आपसे बात करके आपने गाना भी सुना दिया तो उससे तो और चांद लग गए चार चांस लग गए <laughs> चार लगे है हम आपको देखते रहेंगे स्क्रीन पे मजे मजे के अच्छे डिफरेंट कैरेक्टर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वेंचर इट्स वंडरफुल थैंक यू सो मच